राशिफल के अनुसार आज यानी गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं ग्रहों की चाल के मुताबिक आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों का राशिफल। मेष राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपके परिवार में छोटे बच्चे आपसे किसी चीज को लेकर जिद कर सकते हैं। आपकी खर्च करने की आदत को लेकर समस्या आएगी क्योंकि आपके काम लटकेंगे। आप अपने धन को संचय करने को लेकर प्लानिंग करें। परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपनी सेहत में गिरावट महसूस हो तो आप समय रहते डॉक्टरी परामर्श अवश्य ले लें, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। वृषभ राशि वालों की बात करें तो आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। अपने जीवन साथी को लेकर किसी रोमांटिक डेट पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं। आपको किसी गलती के लिए कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। आपका मन किसी काम को पूरा ना होने से थोड़ा परेशान रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बनाएंगे। आपके पिताजी आपसे बिजनेस को लेकर कुछ बातचीत कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जीवन साथी का आपको भरपूर मात्रा में साथ मिलेगा। आप किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर योजना बनाएंगे और संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आपके किसी मित्र की सेहत आपको परेशान करेगी। आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर कुछ उलझन में रहेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी। आपको किसी काम के पूरा होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कर्क राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके कामों की गति थोड़ा तेज रहेगी जिसे देखकर परिवार के सदस्यों को खुशी होगी। आपके किसी नई नौकरी की प्राप्ति होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को आप मिल बैठकर दूर करने की योजना बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका किसी प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद खड़ा हो सकता है। पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। सिंह राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। बिजनेस के मामले में आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको किसी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको अपने कामों पर पूरा भरोसा रखने की आवश्यकता है। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। आपके शत्रु आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से परिवार में किसी पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है। कन्या राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयास बेहतर रहेंगे। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखना होगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है। तुला राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं जिसमें परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप कुछ मौज मस्ती भरे पल व्यतीत करेंगे जिनके लिए आप उन्हें कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं। आपको अपने संतान की फरमाइश पर किसी नए वाहन की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आपके जीवन में उत्साह भरपूर रहेगा। आपका काम पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। आप अपनी आय को ध्यान में रखकर व्यय करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको कुछ नए कामों को करना बेहतर रहेगा। आप अपने सहयोगियों से किसी मन की बात को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं और आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपको कोई पेट से संबंधित समस्या होने की संभावना है। आप अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान दें क्योंकि आप काम पर अधिक ध्यान देंगे जिस कारण आप आराम के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। धनु राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। बिजनेस में अगर कोई प्रोजेक्ट यदि रुका हुआ था तो उसकी शुरुआत हो सकती है। आपको किसी काम को लेकर मेहनत अधिक करनी होगी। आप अपने घर के रेनोवेशन पर भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी सांस्कृतिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन खर्चों से भरा रहने वाला है। आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो उसके पूरा होने की संभावना है। आपको अपनी तरक्की की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना होगा। माता पिता की सेवा के लिए भी आप कुछ समय निकालेंगे। आपको अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार बहुत ही सोच समझ कर लाने की आवश्यकता है क्योंकि इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों को वाहन बहुत ही सोच विचार कर चलाने की आवश्यकता है। आपके जीवन में खुशियां रहेंगी लेकिन आपको उनके लिए समय निकालना होगा। आप संतान के कामों में पूरा सहयोग देंगे और आपकी यदि किसी से कहा सुनी हो तो आप उसमें कुछ बहुत ही सोच विचार कर बोलें। आपको अपने परिवार में किसी सदस्य से कुछ सलाह लेनी पड़ सकती है।
पारिवारिक बिजनेस में आपको अपने कामों को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मीन राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी और आपको बिजनेस में भी मन मुताबिक लाभ मिलेगा, लेकिन आपको संतान की संगति पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में आपसे तालमेल बेहतर रहेगा। आप अपने जीवन साथी को लेकर कहीं शॉपिंग पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप अत्यधिक मात्रा में किसी को धन उधार देने से बचें। ऐसे ही अपना रोज का राशिफल जानने के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।